नज़र का कमज़ोर होना और उसका यौगिक उपचार। आज हमारे लाइफ स्टाइल में देखिए आहार तो गड़बड़ है ही, क्योंकि हम वो चीज़ें नहीं खाते हैं जिनसे हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिले। शरीर के हर अंग का न्यूट्रिशन अलग अलग है, जैसे आँखों के लिए विटामिन ए, तो हम कितनी चीज़ें विटामिन ए की खाते हैं ये देखना होगा, और किस रूप में खाते हैं, कैसे खाते हैं। अब उसके अलावा आहार के बाद मैं बोलूँगी कि आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम हर समय या तो मोबाइल पर है या लैपटॉप पर है या टीवी के सामने है, तो इनकी जो रेडिएशन निकलती है वो हमारे दृष्टि को कमज़ोर कर रही है। बड़े पहले 60 साल की उम्र में नज़रें कमज़ोर होती थी कि हमें अब वृद्ध हो गए तो नज़र तो कमज़ोर होगी होगी। चलिए वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि शरीर भी समय के साथ साथ थोड़ा तो उसकी कमज़ोरी आएगी आंतरिक रूपों की। लेकिन आज ये समस्या 60 साल 70 साल की नहीं है, आज ये 4 साल के बच्चे को भी है। तो इसमें आप क्या बोलेंगे? इसमें तो यही है ना कि भाई हमारा आहार और अधिकतर समय हम मोबाइल टीवी लैपटॉप, इसके अलावा लेट कर पढ़ना, कम रोशनी में पढ़ना, ये भी आँखों की समस्या को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब हम पढ़ाई का भी काम कर रहे हैं तो हमारे सामने पर्याप्त रोशनी हो, जिस चीज़ को पढ़ना उस पर पर्याप्त प्रकाश हो, एक। और दूसरा, लेट कर पढ़ना आँखों पर जोर आता है, वो भी आँखों को कमज़ोर करता है। या फिर इतना ज़्यादा लगातार देखने का काम करना कि जिससे आँखें थक जाए, तो ये तो कुछ कारण है जो हमारी दृष्टि को, नज़र को कमज़ोर कर रहे हैं। और मैंने बोला कि आज तो छोटे छोटे बच्चे, उनकी भी दृष्टि कमज़ोर हो रही है। ठीक है, चश्मा लगवा देंगे, लेकिन चश्मे का जो नंबर बढ़ता जाता है उसका क्या उपचार है? एक समय आएगा कि बहुत अधिक नंबर हो जाएगा, और कई रोग भी ऐसे हैं जिसके अंदर भी दृष्टि कमज़ोर होती है। अब लेकिन कमज़ोर दृष्टि को हम ठीक कर सकते हैं सिर्फ यौगिक उपचार से। कुछ आसन है, प्राणायाम है और कुछ यौगिक अभ्यास है जिन्हें आप करके अपनी नज़र को ठीक कर सकते हैं। उसमें मैं सबसे पहले बोलूँगी जल नेति का प्रयोग। जल नेति के पात्र में पानी भर के, उसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी, उससे देख करके या फिर किसी योग केंद्र में जाके आप सीख लें। वैसे तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करके समझाया है, क्योंकि मैं आज इसका 35 साल से उपयोग कर रही हूँ। दूर दृष्टि तो बिल्कुल, दूर की जो नज़र है वो तो इससे ठीक हो जाती है, बच्चों में तो उतर जाता है चश्मा, मैंने बहुत अच्छी तरह अनुभव कर लिया है। बड़ों का भी लंबे समय तक दूर की दृष्टि कमज़ोर नहीं होती है इससे, सिर्फ एक जल नीति करने से। और जल नीति के लाभ तो बहुत है, लेकिन आज मैं नज़रों की बात कर रही हूँ, तो नज़रों के लिए जल नीति रामबाण है। उसके बाद मैं बोलूँगी आई वॉश कप आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी भी मैं जहाँ पर दवाइयाँ मिलती हूँ वहाँ मिल जाएगा। आई वॉश कप में मैं बताऊँगी कि क्या करना है, इसका भी प्रयोग किया जाता है जिससे भी दृष्टि सुधरती है। और अब मैं आपको कुछ सरल अभ्यास बताऊँगी, क्योंकि योग के अंदर त्राटक की क्रिया और कुछ यौगिक अभ्यास और थोड़े से आसन बहुत इफ़ेक्टिव है। आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन इसके साथ मैं बोलूंगी, मैंने बोला शरीर के सभी अंगों को न्यूट्रिशन चाहिए, तो हम विटामिन ए वाली चीज़ें अपने आहार में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि आँख तो हमें बुढ़ापे तक ही चाहिए, चाहिए तो सभी अंग, पर नहीं दिखने के बाद ज़िंदगी जो जिनको दिखाई नहीं पड़ता उनके इनसे पूछे क्या तकलीफ़ है। अंधेरे वाली ज़िंदगी तो अच्छी नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले एक जूस बताती हूँ, गाजर धनिया और आंवला का, मात्र 2 गाजर लिया, 1/2 कप धनिया लिया और 2 आंवले लिए, इनको मिक्सी में डाल के चला लिया,
थोड़े से पानी डाल के चलाएंगे तो चल जाएगा। और इसका निचोड़ के गाजर को धो लेंगे, धनिए को धो लेंगे, आंवले को धो लेंगे और कट कर लेंगे। फिर मिक्सी में आप इनका जूस निकाल लीजिए। जूस निकाल के इस जूस को फ्रेश ही पीना है आपको। निकाला जूस, छाना और पी लिया। तो ये आँखों के लिए रामबाण है। गाजर में विटामिन ए है, आंवले में है, सी के साथ ए बहुत मात्रा में है और हरा धनिया तो है ही विटामिन ए का भंडार। इसके अलावा बोलूँ शकरकंद, शकरकंद अभी खूब आ रही है। शकरकंद जिसके अंदर विटामिन ए भरा हुआ है, एक शकरकंद ही खा लें तो जहाँ ये पेट भी भर देता है वहाँ ये आपको विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में देता है। गर्मियों में भी आम के अंदर विटामिन ए बहुत है, वैसे पीले फलों में विटामिन ए होता है, तो आप ऐसे फलों का सेवन करें, इस तरह का जूस पिएं जब तक मिल रहा है। वैसे तो आंवले का आप बाज़ार में रेडीमेड भी मिलता है मगर अभी तो फ्रेश आ रहा है, और धनिया हर मौसम में आता है। जब कुछ नहीं हो तो आप धनिया आंवले का जूस बना के पी सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको आहार के जरिए बताया कि क्या करना है। अब मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आप उगते सूरज के सामने आँखें बंद करके बैठ जाए। आँखें बंद करके बैठने के बाद दोनों हथेलियों को इतना रगड़ें कि ये गर्म हो जाए, अच्छे से गर्म हो जाए। और जब गर्म हो जाएंगे तो इनको आँखों पर रखें और कुछ देर ऐसे ही बैठें और महसूस करें कि आँखों हाथों में से निकलकर गर्मी और ऊर्जा दोनों आँखों में प्रवेश कर रही है और ये आपकी आँखों को शिथिल करके उसके अंदर शक्ति भर रही है। सिर्फ महसूस करें कि आँखों हाथों की गर्मी और ऊर्जा निकलकर आपकी आँखों में प्रवेश करके आँखों की थकान को दूर कर रही है, उन्हें रिलैक्स कर रही है और आँखों के अंदर शक्ति को भर रही है। और आधे मिनट तक आप ऐसे बैठे, उसके बाद हाथों को हटा देंगे लेकिन आँख नहीं खोलेंगे और दोबारा से आप अपनी हथेलियों को रगड़ें। ऐसा आपको कम से कम 4 से 5 बार करना है, पूरे क्रम को 4 से 5 बार करेंगे तो इतना पर्याप्त है। आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और इसके बाद मैं बोलूँगी कि आपको क्या करना है। आपको दाएं बाएं देखना है। अब दाएं बाएं कैसे देखेंगे, अपने हाथों को फैला लें। देखिए मैंने दोनों हाथ फैला लिए कंधे की सीध में, अंगूठों को खड़ा कर लिया है। अब मैंने कुछ भी नहीं करूंगी, मैं गर्दन को नहीं हिलाना है, सिर्फ पहले दाएं अंगूठे को देखा, फिर भ्रूमध्य पर देखा, फिर बाएं अंगूठे को देखा, फिर भ्रूमध्य पर देखा, दाएं अंगूठे को देखा, भ्रूमध्य पर देखा, बाएं अंगूठे को देखा। ऐसा 5 से 6 बार करें। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है कि आप बारी बारी से दोनों अंगूठों को देखें लेकिन बिना गर्दन को हिलाए। अब मैं बोलूँगी इसके बाद आई रोटेशन यानी सर्कल, आँखों का सर्कल के लिए आप दृष्टि को ऊपर साइड में, नीचे बाई तरफ साइड में, ऊपर साइड में, कुछ लोग यो यो घुमा देते हैं, ऐसे नहीं, आपको पूरा सर्कल बनाना है। तो पूरे सर्कल के लिए जब तक आप ऊपर दाएं बाएं नीचे सब और नहीं देखेंगे तो सर्कल नहीं बनेगा। थोड़ा सा घुमाना नहीं है, कम से कम 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। मैं आपको 2 बार करके दिखा रही हूँ। मैं रिवर्स कर रही हूँ। और हर एक्सरसाइज के बाद कम से कम आधे मिनट के लिए आँखों को रेस्ट दें।
आँखों को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी नर्वों में थकान नहीं आनी चाहिए। हमारी दृष्टि जो है आँखों में, यहाँ पर नर्व बन है, हमारी देखने की शक्ति उसमें है। आपको जो ये काला सफ़ेद भाग दिख रहा है इससे नहीं दिखाई पड़ता है। अब उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए हमने उस पर प्रेशर डाला, अब उसे रिलैक्स भी करना होगा। अब दाएं बाएं देखने के बाद, सर्कल बनाने के बाद, मैं बोलूँगी डायगोनल देखें। देखिए, इनको आप दिन में अगर दो बार भी कर लेते हैं, जिनकी दृष्टि कमज़ोर है तो उन्हें दो बार करना चाहिए, पर जिनकी दृष्टि कमज़ोर नहीं है, वो स्वस्थ है अभी भी, तो एक बार तो जरूर करना चाहिए। आँखों का अभ्यास इसे खाना खा के करें, कभी भी करें, कभी भी कर सकते हैं इनका अभ्यास आप, जो मैं अभी बता रही हूँ। और ऐसे ही मैं बोलूँगी कि सर्कल बना लिया, अपने दाएं बाएं देख लिया, डायगोनल। डायगोनल कैसे देखेंगे? राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, इस तरीके से, मतलब तिरछे में, इधर 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 इधर, ऐसे देखना है। ये डायगोनल है। कोई भी अभ्यास, मैं तो दो बार करके बता रही हूँ, आपको पांच बार करनी है। देखिए, मैं भी आपको बताने के बाद भी आंखें इसलिए बंद कर रही हूँ कि आंखों के ऊपर प्रेशर नहीं आए। डायगोनल देख लिया हमने, राइट देख लिया, सर्कल बनाया, अब अप एंड डाउन भी देखते हैं। ऐसे ऊपर देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा, बिल्कुल नीचे, यहीं पर ऊपर देखा, नीचे देखा, ये अप डाउन है। आँखों को हमें हर तरफ से एक्सरसाइज देनी है। हर तरफ जब एक्सरसाइज देंगे तभी आँखों के ऊपर सही ढंग से आएगा आपको प्रभाव। अभी हमने आँखों को सब ओर घुमाया है, अब आप दूर पास भी देख सकते हैं। दूर पास में कैसे करेंगे मैं आपको बताऊं। आपने ये एक पेन पकड़ी, पेन की नोक है या पेंसिल या पेन की नोक, बिल्कुल अपने एक हाथ की दूरी में, यानी 2 फुट की दूरी में होनी चाहिए। आप सिर्फ नोक को देखिए, बिना पलक झपकाए धीरे धीरे नाक की सीध में पास लाएंगे, उसी को देखते हुए, दृष्टि कहीं और नहीं है, और इसी को देखते हुए आप दूर ले जाएंगे। अगर आप इतनी देर भी नहीं देख पा रहे हैं, आंखों से पानी आ रहा है, तो कुछ सेकंड के लिए अपने आंखों को बंद कर लेंगे, बंद करके उन्हें रिलैक्स करेंगे। और ऐसा करने के बाद अगर आप एक बार भी करते हैं तो आंखों से पानी तो तुरंत आने लगता है। आंखों को रिलैक्स करेंगे, जब भी रिलैक्स करना है, खाली आंखों को बंद करने से नहीं चलेगा, हथेलियों को रब करें, इसे पामिंग कहते हैं। इससे आंखों की नर्व, जो भी प्रेशर आया था वो रिलीज हो जाएगा, और आंखें की जो जितनी भी नर्व है ये स्ट्रांग हो जाएंगी। और ऐसा आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड के लिए यहाँ पर हथेलियों को टिका के रखना है, और उसके बाद धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। ये तो मैंने आपको, ये त्राटक की भी एक प्रक्रिया है, ये त्राटक में भी, तब फिर त्राटक में क्या करना है, आपको लगातार बस एक पॉइंट पर लगातार देखते रहना है। त्राटक कई तरीके से होता है, सूर्य का त्राटक, यानी उगते सूरज के सामने आप अपनी दृष्टि को टकटकी लगा के जब तक देखें जब तक आप देख सकते हैं। वैसे 5 मिनट तक देखा जा सकता है, लेकिन जब दृष्टि मजबूत हो, वरना थोड़ी देर बाद आँख से पानी आ जाता है। तो पानी आने से घबराना नहीं है, आंखें बंद करें, दोबारा रिलैक्स होने के बाद फिर देखें। यानी 5 मिनट तक आप ये अभ्यास रिपीट कर सकते हैं। और आप सूर्य का त्राटक मैंने बोला, दीपक का त्राटक, ऐसे मोमबत्ती की लौ का त्राटक, या फिर किसी एक नोक के ऊपर, इसको तो कहीं भी कभी भी कर सकते हैं आप। इसके लिए आपको न तो सूरज के सामने जाके बैठना है, न कहीं कुछ और करना है। पेंसिल या पेन सबके पास है, उसमें नोक भी रहती है, उस नोक को लगातार देखिए। अगर आप कहेंगे कि हमारे पास पेंसिल और पेन भी नहीं है, तो मैं बोलूँगी आपके पास हाथ है, अंगूठे की बिल्कुल ऊपरी वाले सिरे में नखून का जो कोर वाला भाग है, सिर्फ उसे देखें।
समझ में आ गई बात इतनी सी? ये त्राटक की जो प्रक्रिया है बहुत शक्तिशाली है आँखों के लिए, लेकिन जब भी कोई अभ्यास करेंगे उसके बाद रिलैक्सेशन आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। रिलैक्सेशन में आँख बंद करेंगे, हथेलियों को रब करेंगे, गर्म करेंगे अच्छी तरह, और गर्म करके इससे सेक देंगे। और जो लोग लगातार कंप्यूटर या लैपटॉप में लगे रहते हैं उनको हर आधे एक घंटे के बाद ब्लिंकिंग करना चाहिए और आंखें बंद कर लें। ऐसा दो बार कर लें ब्लिंकिंग और आंखें बंद कर लें। ये इतने सरल अभ्यास है कि एक बच्चे को भी सिखा दिया जाए तो बच्चे भी कर सकते हैं, और बड़े तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है आँखों के लिए। अब मैं आपसे बोलूँगी दो आसन और एक प्राणायाम, जिसमें शीर्षासन है, सर्वांगासन है और सूर्यवेद प्राणायाम। मैं आपको शीर्षासन और सर्वांगासन भी करके दिखा रही हूँ। आप देखिए बहुत सरल है ये आसन करना। सबसे पहले मैं शीर्षासन ही करके बता रही हूँ आपको। देखिए दोनों हथेलियों को मैं ऐसे बना रही हूँ और इसे यहाँ रख रही हूँ। सिर को नीचे धरती पर टिका दूंगी। अब मैं पर्वतासन बना लिया मैंने। और अब धीरे से दोनों पैरों को मोड़ के ऊपर उठा के, आंखें बंद है, लंबी गहरी श्वास भरेंगे छोड़ेंगे। इसमें 2 मिनट से 5 मिनट तक रुकने वाले बच्चों की आंखें कभी खराब हो नहीं सकती है, और बड़े भी जब इसको करेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। लेकिन हाई बीपी ऐसे मरीज इसका अभ्यास न करें, हार्ट पेशेंट हाई बीपी इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं कर सकते, उन्हें नहीं करना है। और जब नीचे आना है पैरों को मोड़ के कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर ऐसे ही रुके, उसके बाद सांस भरते हुए सीधे उठ जाए। अभी भी आंखें बंद रहेंगी। अब मैं आपको सर्वांगासन करके बता रही हूं। शीर्षासन से बहुत सरल है, लेकिन इसे भी हाई बीपी और ब्लड प्रेशर के मरीज न करें, सॉरी हृदय रोगी न करें। कमर दर्द और सर्वाइकल के भी पेशेंट इसको नहीं कर सकते। ये दोनों अभ्यास उनके लिए सिर्फ बैठ के जो बताए उतने ही पर्याप्त है। हर अभ्यास कम से कम 2 मिनट जरूर आपको रुकना है। इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, करवट बदले, उठ के बैठे। और मैंने बोला एक प्राणायाम सूर्यभेद, सूर्यभेद प्राणायाम। हालांकि सूर्य नमस्कार भी इसमें बहुत लाभदायक है। सूर्य नमस्कार मैं करके नहीं बता रही हूँ, और हो सकेगा तो मैं उसकी लिंक डाल दूंगी। सूर्य नमस्कार के YouTube पर मेरे 3 वीडियो है, आप निकाल के भी देख सकते हैं दादी योगा में। और कोशिश करूँगी कि मुझे याद रहेगा तो मैं डाल भी दूंगी। और इसके बाद मैंने बोला जो मैंने आपसे आई वॉश कप की बात की थी ना,
पहले सूर्य भेद प्राणायाम बता दूं। सूर्य भेद प्राणायाम में क्या करना है, इस हाथ से नासिका मुद्रा बनाई, फर्स्ट फोर दो फिंगर्स को मैंने टू फिंगर्स को मोड़ दिया है, लास्ट की दोनों सीधी है, अंगूठा सीधा है। इस स्थिति में इसमें राइट से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, हर सांस राइट नोज से आई, सीधी नाक से लेंगे और अपने बाईं नाक से छोड़ देंगे। ये है सूर्य भेद, इसका भी कम से कम 2 से 5 मिनट, लेकिन इससे भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं करेंगे, उन्हें भी मना है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हाँ, सर्दी जुकाम जिनको रहता उनके लिए तो रामबाण है, लेकिन ये इसका अभ्यास ये लोग नहीं करेंगे। जितने मैंने बैठ के बताया उतना करने से भी उनको लाभ मिलेगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये था सूर्य भेद, मैंने आपसे बोला था आई वॉश कप की, तो आई वॉश कप में का क्या करना है, त्रिफला मंगा लीजिए, त्रिफला पाउडर, पाउडर नहीं लेना है, आप साबुत वाला त्रिफला का जो आते पैकेट वो मंगाइए, उसे मोटा मोटा कुटवा लीजिए या कूट लीजिए। अब 1 चम्मच त्रिफला पाउडर, पाउडर नहीं सॉरी, मोटे कुटे हुए त्रिफला को आप मिट्टी के बर्तन में भिजो दें, 1 गिलास पानी में डाल के भिजो दें, पूरी रात मिट्टी के बर्तन में भिजने दें। भिजोने से पहले मिट्टी के बर्तन को साफ कर लेंगे आप, उसके बाद उस त्रिफला को यानी हरड़ बहेड़ा आंवला तीनों एक निश्चित अनुपात में वो आपको पंसारी दे देगा, और उसको मोटा मोटा कूट के रख लें, 1 चम्मच भर के 1 गिलास पानी में रात को भिजो दें। सवेरे उस पानी को इतने मोटे कपड़े से छाने कि त्रिफला का कोई एक कण भी नीचे पानी में नहीं आए, इतने अच्छी तरह छान लें। अब उस पानी को इस आई वॉश कप में भर के आपको क्या करना है, 2 आएंगे, 2 आई वॉश कप लाना है, एक राइट के लिए एक लेफ्ट के लिए। तो इसको यूं करके आंखों की ब्लिंकिंग करनी है, ये पूरा आँख के ऊपर फिट हो जाता है, पानी गिरता नहीं है, इतनी अच्छी तरह फिट हो जाता है ये, इसका शेप उसी तरीके से बना हुआ है। इसमें पानी भरे, आँखों पर लगाए और ब्लिंकिंग करें, आँखों में ठंडक तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन त्रिफला में जो तीनों चीज डाली गई है वो आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए रामबाण है। ये आपका, आप चाहे कम पानी डाल के भी कर सकते हैं, थोड़ा भिजो सकते हैं, पौन चम्मच भिजो दें, 1 कप पानी में भिजो दें और उस पानी को छान लें, और दिन में 3 बार इस पानी में, एक तो चाहे 2 बार तो जरूर करें, रात में सोते समय और सुबह उठ के 2 बार भी करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी आंखों की ज्योति में फर्क पड़ रहा है। और बच्चों को जरूर करवाएं, कोई नुकसान नहीं है, किसी को मना नहीं है, सभी इसका उपयोग कर सकते हैं। और जो त्रिफला आपका मोटा कुटा हुआ बचा रह गया है, भीजा हुआ, उसको उबाल लें, रात में छान के पी ले पानी उसका, तो सुबह पेट भी साफ होगा, आंखें भी अच्छी रहेंगी, उसका डबल बेनिफिट है। तो ये बहुत सरल उपाय है, हम आराम से अपनी आंखों की ज्योति को बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और ये है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो आसन तो नहीं कर सकते, लेकिन जो मैंने आँखों के कुछ सरल अभ्यास बताए हैं, त्राटक के साथ साथ जल नीति बताई है, आई वॉश कप में बताया है त्रिफला का, और जूस पीने को बोला है, तो ये सारी चीज़ें करने से भी उनकी आंखें अच्छी रहेंगी। आप सारी चीज़ नहीं कर सकते तो आधी चीज़ एक दिन कर लीजिए, जूस तो रोज़ पीना है, आधी चीज़ दूसरे दिन कर लें। नहीं करने से करना बहुत अच्छा है, मगर जिनकी आंखें खराब हैं उनको तो अपने आँखों पर ध्यान देना होगा। और मेरा वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर तो करेंगे, और इनका अभ्यास करके जितना भी लाभ मिलना शुरू हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, मेरे कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि
कि आप आँखों के ऊपर बनाइए, आँखों के लिए संपूर्ण उपचार बताइए। आज मैंने आपको सारी चीज़ें एक साथ बता दी है कि क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जल नेति तो रोज करने की चीज़ है, आई वॉश कप रोज करने की चीज़ है, जूस रोज पीने की चीज़ है। एक्सरसाइज में आप ये कर सकते हैं, एक दिन आसन कर लें, एक दिन अभ्यास कर लें, बहुत देर नहीं लगती है, मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट 10 मिनट इतना तो आप आँखों के लिए दे सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। इन अभ्यासों से अपने आँखों की ज्योति को बढ़ाएं और पूरी ज़िंदगी बिना चश्मे की ज़िंदगी जिए। नमस्कार, धन्यवाद।